प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर वैसे तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को सभी दल से दो कदम आगे रखा है। हम आपको बता दें कि लगातार संगठन मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के प्रमुख हैं, संगठन के जो आला नेता हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। आदिवासी अंचलों में वो जा करके लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ रणनीतियाँ बना रहे हैं। चुनाव को लेकर के रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर भी चल रहा है। इसी बीच आज राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह बिलासपुर के प्रवास पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि आज से वो 3 दिन तक बिलासपुर संभाग के दौरे में रहेंगे, जहाँ वो विभिन्न जिलों में जाएंगे। रायगढ़ वो जाएंगे, मुंगेली वो जाएंगे, जांजगीर चांपा वो जाएंगे। वहाँ जाकर बैठ के लेंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठ करके आगामी चुनाव की जो रणनीतियाँ बनी हैं उन रणनीतियों पर कार्य कैसे किया जाए, इन्हें लेकर के मंथन होगा। उनसे विचार विमर्श करेंगे, परामर्श लिए जाएंगे, उनसे फीडबैक भी मांगे जाएंगे कि कैसे चुनाव की तैयारियां चल रही है और कितना अच्छा प्रदर्शन पार्टी संगठन के रूप में कर सकती है, लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लेवल के जो नेता हैं, जो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है। जो अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने संगठन में लाने की कोशिशें होंगी। इसी तरीके से जो संगठन मंत्री सौदान सिंह हैं उनके साथ आज प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और छत्तीसगढ़ के जो संगठन मंत्री हैं पवन साय वो भी रहेंगे। ये दौरा 3 दिनों तक चलेगा, लगातार बैठकों का दौर चलेगा। खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहें क्लिप्स.इन के साथ। For more information, log on to www.clips.in.